अब हिजाब आ गया है, अब अगली खबर कोई और आएगी, जैसे पिछले कंगना रनौत की बात आई थी, फिर आ गया कि ये किसानों का आ गया, फिर ये सब चलता है। पहले मैं योगी जी से खफा नहीं हूँ, मैं उस सरकार की से इससे खफा हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसे चुनावी काम किए, उन्होंने किसान किए, वो तो कोलकाता की बिल्डिंग दिखा देते हैं, कोलकाता की सड़क दिखा देते हैं, अमेरिका की बिल्डिंग दिखा देते हैं, तो उनको लड़ाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर योगी नहीं जीते तो वो यूपी से निकल ही जाए। देखिए ये गलत बात है, अगर एक देश है, एक नियम है और एक संविधान है, तो इसमें ऐसे रहना चाहिए। और जहाँ देखा जाए, आप अगर जहाँ कर्नाटक हाईकोर्ट में हुआ है कि लड़की जो है हिजाब पहन के स्कूलों में नहीं आएंगी, तो क्या सिख जो है वो भी क्या अपनी पगड़ी उतार के आएंगे? एक तरह से ये सही भी और दूसरे तरफ से देखा जाए तो ये गलत भी है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि स्कूलों के लिए हिजाब या फिर पगड़ी का कोई रूल नहीं होना चाहिए? देखिए हाँ जी, ऐसा रूल होना चाहिए कि सब पगड़ी ना पहन के आए या तो कोई हिजाब ना पहन के आए, या सब पहन के आए। संविधान में तो ये भी लिखा हुआ है कि सब अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है इस देश में? अच्छा। देखिए चुनाव के पास आके अब ये वोट इकट्ठा करेंगे, सारी पार्टियां ऐसे करेंगी, अगर बीजेपी ने हिंदुओं को सपोर्ट किया है तो बाकी पार्टियां मोमडंस को सपोर्ट कर देंगी, ये सब चुनावी खेल है। अच्छा, लेकिन भाई हिजाब को लेकर आजकल बॉलीवुड में भी खलबली मची हुई, कंगना रनौत का कोई बयान आता है भाई? देखिए सब यही सब करेंगे, कंगना रनौत तो वैसे भी बोलती रही हैं और बोलती रहेंगी, तो उनका तो ये सब है। बॉलीवुड वाले तो अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ कुछ बोल देते हैं, उन अभी देखा जाए तो कई बॉलीवुड की एक्टर्स अभी नेता बन रही हैं, उनको क्यों, उनको क्या पता कि देश कैसे चलाते हैं। लेकिन भाई चुनाव का अगर मुद्दा लिया जाए, यूपी चुनाव का, पहले सब लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन उन्होंने 40 मिनट का इंटरव्यू दिया और केवल योगी जी की सराहना की है उसमें। देखिए वो तो अपनी पार्टी को जिताने के लिए, अपने सीएम को जिताने के लिए, अपने सीएम की वाहवाही तो करते ही रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है, उनको तो वो उनकी पार्टी वाले उनको उनके ही राज्य से नहीं, गोरखपुर से नहीं लड़ा रहे थे, तो वो तो उनको पता है कि गोरखपुर से तो चुनाव लड़ना है ना योगी जी। देखिए वो तो उनको लड़ाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर योगी नहीं जीते तो वो यूपी से निकल ही जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है कि लाल टोपी वाले जो 5 किलो अनाज मिलता है वो खा जाएंगे। देखिए कुछ ऐसा नहीं है, सब अपना प्रचार करते हैं, ये 5 किलो जो अनाज है इस पर सब अपना प्रचार कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में 40 मिनट के इंटरव्यू में, वही यूपी चुनाव है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की इतनी सराहना की है, सारे उनके अच्छे काम गिनवाए। देखिए वो तो कोलकाता की बिल्डिंग दिखा देते हैं, कोलकाता की सड़क दिखा देते हैं, अमेरिका की बिल्डिंग दिखा देते हैं, तो उनका क्या ही भरोसा करना। एक लड़की है, अगर बीजेपी सरकार आती तो स्कूटी मिलेगी। देखिए ऐसे तो प्रियंका गांधी भी कर रही हैं कि लड़की हो लड़ सकती है, उनको भी कितने आईफोन मिल रहे हैं, स्कूटी मिल रहे हैं, सारी पार्टियां प्रचार करेंगी। अभी तो आप देखा जाए साउथ में अभी ऐसी खबर आई है कि आप चुनाव में वोट दीजिए हमारे को, हम 100 दिन के लिए चांद पे छुट्टियां देंगे। अच्छा। मिनी हेलीकॉप्टर देंगे, घर देंगे, राशन देंगे। अच्छा। तो देखिए सब प्रचार करते हैं। योगी जी ने जो वादे किए वो पूरे तो किए हैं, आप गिनवाइए मेरे को कौन से वादे पूरे किए। देखिए ना कितने ज़्यादा तो गुंडा मुक्त यूपी बन गया है, वहीं अजय टेनी के बेटे को भी रिहाई मिल गई है, जमानत मिल गई है। देखिए वो तो सब कुछ हमारे मिल ही जाएगी, चुनाव है, उन्हें पता है कि किसान अब खुश हो गए हैं, थोड़े दिनों की बात है। देखिए सब चुनावी खेल है, सारी पार्टियां ये सब करती हैं, अगर इसके जगह कोई और पार्टी होती वो भी यही करती। नहीं, अगर अजय टेनी का मुद्दा देखा जाए तो पहले किसानों ने आंदोलन भी किया था पूरे 13 महीने, लेकिन अब अजय टेनी के बेटे को जमानत मिल गई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्हें पता चल गया है कि किसान आंदोलन खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया, किसान खुश हो गए हमसे क्योंकि हमने बिल वापस ले लिया है, पर देखा जाए तो ऐसे कुछ भी नहीं है, किसान से खुश हो गए हैं, 750 से ज़्यादा किसान मर गए हैं, वो कैसे खुश हो सकते हैं? वहीं राकेश टिकैत जी ने फिर एक बार ऐलान कर दिया कि किसान अपना ट्रैक्टर और ट्रॉली तैयार रखें। वो रखेंगे, उनको तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसान उनसे खुश हो जाएं, और अगर किसान मान लो खुश भी हो गए तो उनको वोट थोड़ी ना देंगे। आप योगी जी से इतना खफा क्यों है? देखिए मैं उनसे इसलिए खफा हूँ, पहला मैं योगी जी से खफा नहीं हूँ, मैं उस सरकार की से इससे खफा हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसे चुनावी काम किए, उन्होंने किसानों के लिए कृषि बिल जो यूपी में दिखाते हैं सब झूठ बोला है उन्होंने। क्या झूठ बोला है, झूठ आप बता दीजिए क्या बोला। जो उन्होंने अभी प्रचार किया है दिव्य काशी भव्य काशी, गंगा जी तो उन्होंने वो तो कहते हैं कि गंगा मेरे को गंगा ने बुलाया और मैं किसी के लिए नहीं आया हूँ, तो फिर गंगा जी इतने गंदे क्यों हैं? देखिए ना बनारस को कितना डेवलप किया है, अब बनारस सिर्फ बनारस ही उनका थोड़ी ना है, वो तो प्रधानमंत्री, उनका तो पूरा देश है, तो बना तो रहे स्मार्ट सिटी। आप स्मार्ट सिटी यूपी में ही क्यों नहीं बना रहे हैं? आपके तो कितने राज्य आपके अंडर हैं, सिर्फ यूपी थोड़ी ना बीजेपी के अंडर है, बीजेपी तो पूरे अभी तो पूरे देश पे है। जिंदगी जो किसानों को कुचल दिया गाड़ी से, उसको तो जमानत मिल गई, लेकिन जो किसान थे उनको जेल में डाला गया।
देखिए ये सब किसानों का दिल नहीं दुखाते, ये रिपोर्टर्स का भी दिल दुखाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उनके ही तरफ से रिपोर्ट करते हैं या वो किसी और की तरफ से भी रिपोर्ट करते हैं तो उनको ये देशद्रोह का मुकदमा डाल देते हैं, किसानों पे देशद्रोह का मुकदमा डाल देते हैं, ये सब पर देशद्रोह का मुकदमा डाल देते हैं। हिजाब का जो मुद्दा है वो कर्नाटक में है, लेकिन पूरे टीवी चैनल पे यही चल रहा है, कोई और मुद्दा ही नहीं चल रहा। देखिए ये सब यही कराते हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे, ये सब इनका यही काम है। कहाँ कराते हैं दंगे हिंदू मुसलमान के? बीजेपी का नारा है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो जब राम को लाए आप उनको ही क्यों लाएंगे? आप देखिए जहाँ यूएसए अमेरिका देखा जाए तो वहाँ पे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो उनको डेवलप करके रखते हैं और आधी जीडीपी उनकी वहाँ से ही आती है, तभी वो इतना इतना हमसे ऊँचे हैं। यहाँ का 80-90 रुपये वहाँ का 1 रुपया होगा, तो ये देख सकते हैं हम सब। देखिए अब हिजाब आ गया है, अब अगली खबर कोई और आएगी, जैसे पिछले कंगना रनौत की बात आई थी, फिर आ गया कि ये किसानों का आ गया, फिर ये सब चलता रहेगा। देखिए चुनाव आयोग ने तो ये भी कह रखा है कि कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार रिलीजन पे वोट नहीं ले सकती है या रीजन पे वोट नहीं ले सकती, धर्म के उस पे वो धर्म के नाम पे वोट नहीं लेगी, पर सारी पार्टियां कर रही हैं। जहां वो कहते हैं कि दलित के घर पे हम खाना खा के आए हैं, अपना पत्तल लेके जाते हैं, अपना कुल्हड़ लेके जाते हैं, तो उनको क्या बात है? देखिए बैठ के खाना खाने से क्या होता है, जब खुद ही उनका अपना खाना होता है, वो सारी बातें जिनके झूठ होती हैं वो ऐसे ही होता है। यूपी चुनाव में बोल रहे कि गुंडा राज आ जाएगा, डरा रहे ना लोगों को बीजेपी को हटाओगे तो। देखिए अब क्या गुंडा राज कम है, अब क्या गुंडा राज कुछ कम हुआ है? आप ही बताइए कुछ गुंडा राज वहाँ पे कम हुआ है तो मैं बताऊँ। गुंडे नहीं है यूपी में सारे, वो तो दूरबीन से देखते रहते हैं, उनको तो दिखेंगे भी नहीं। हर टाइम दूरबीन से देखेंगे तो आपको कहाँ दिखेंगे? जिस टाइम होता है तब तो आप छोड़ देते हैं सारे मुजरिमों को, छोड़ देते हैं आप। हाथरस के कांड में सारे मुजरिमों को छोड़ दिया था आपने। साथ ही साथ मोदी जी ने इंटरव्यू में एक बात और कही कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो हमारे 2017 से पहले अब बहुत बेहतर है। देखिए कस्तूरबा नगर में भी क्या हुआ है आप देख ही सकते हैं, पुलिस किसके अंडर है वो भी आपको पता है, आप लोगों को अमित शाह के अंडर है, तो वो क्या करें? लेकिन योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। जब दिल्ली में ही ऐसा हो रहा है तो यूपी में क्या होगा, योगी के राज्य में क्या हो सकता है? सोचिए विचार कीजिए यूपी में क्या क्या हो रहा है। हाथरस कांड वहाँ हुए हैं, इतने बड़े ऐसे कांड हुए हैं वहाँ पे जो सोचने लायक भी नहीं है, वो कांड वहाँ होता है तो दिल्ली में इतना हो रहा है तो वहाँ पे देखिए। लेकिन फिर मोदी जी ने एक नारा दिया है कि इस बार हवा चल रही है यूपी में बीजेपी की। देखिए सारे धर्म के नाम पे कर रहे हैं बीजेपी की हवा चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, आप उसको मेंटेन कर ले तो कितना जीडीपी आएगी, ये सब आप सोच सकते हैं। ये वहाँ पे तो बाहर की कंट्रीज अगर ये देख लेना तो काफी बदलाव होगा, काफी बदलाव होगा। जो गंगा में लाशें तैर रही थी पार्लियामेंट में सरकार ने बोला कि कोई लाशें नहीं तैर रही, सब कुछ उनका है, उन्हें पता है हमारे को क्लीन चिट मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको सब पता। और वही मोदी जी ने कहा कि जो है बीजेपी गई तो फिर जो है उत्तर प्रदेश का विकास रुक जाएगा, डबल इंजन की सरकार बहुत विकास कर रही है। डबल इंजन की सरकार कुछ विकास नहीं कर रही है, और अगर मैं ही कहती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है लोगों, आप वहाँ रहते हो, आपको चुनना है, आपकी सरकार रहेगी, आपका काम करेगी, आपको देखना। देखिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और जितना देखा जाए हमारा हेल्थ इंडेक्स कहाँ जा रहा है, हमारा जो सारे जितने भी हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ जा रहा है, सब कितने नीचे जा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। बजट आया, बजट में सब गए इतने, सबको इतनी ख्वाहिश थी कि बजट में ये होगा बजट में वो होगा, सारा सब महंगाई है ही नहीं, कहाँ महंगाई नहीं है, किस जगह शिक्षा पे इन्होंने पैसा नहीं लगाया, स्वास्थ्य पे पैसा नहीं लगाया, रोजगार पे पैसा नहीं लगाया, रोजगार ही नहीं है। लेकिन शिक्षा के लिए 200 नए टीवी चैनल तो खोल लेना बच्चों के लिए। 200 नए टीवी चैनल खोलने से क्या होगा, जिनके घर में टीवी ही नहीं है वो लोग क्या करेंगे?